स्नैपचैट एक मैसेजिंग ऐप है जिसकी मदद से हम वीडियोस फोटोज को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब स्नैप कर सकते हैं। गाइज स्नैपचैट की मदद से हम बहुत ही फास्ट अपने फोटोज वीडियो को या किसी भी मोमेंट को शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ। गाइज स्नैपचैट की मदद से हम अपने फोटोज में फिल्टर्स और एडिट कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। गाइज स्नैपचैट में जो सबसे अच्छा फीचर यह है कि अगर आप अपने फोटोज़ को या वीडियोस को शेयर करते हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, जिससे आप एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। मतलब अगर आपका फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेम्बर आपका वो फोटोज़ या वीडियो को देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो डिसअपीयर हो जाएगा कुछ सेकंड के बाद। वहाँ पर आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है स्नैपचैट का। अदरवाइज़ आपको वही फीचर मिल जाते हैं जैसे हम किसी फ़ोटो को एडिट करते हैं, लेकिन इस स्नैपचैट की मदद से हम बहुत ही फास्ट अपने मोमेंट को शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको स्नैपचैट को कैसे यूज़ करते हैं। आई एम श्योर गाइज आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्नैपचैट के बारे में सब कुछ फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके स्नैपचैट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम अपने मोमेंट्स को शेयर करते हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, कैसे हम उस फोटोज वीडियो में एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर सर्च बार में टाइप करेंगे स्नैपचैट। इसका लिंक गाइज मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से, तो इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 1 बिलियन प्लस इसका डाउनलोड है, 57 MB इसका साइज है, 23 मिलियन रिव्यूज़ है। तो चलिए गाइज मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, लेट इट बी इंस्टॉल। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ हम क्विक चैट कर सकते हैं, मोमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं। गाइज इंस्टॉल हो गया, चलिए मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आप साइनअप पर क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, यहाँ पर ये कॉल्स के लिए परमिशन मांगा तो यहाँ पर इसको अलाउ कर देंगे। यहाँ से गाइज हम फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पर साइन अप एंड एक्सेप्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपनी बर्थ और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ से हम एक पासवर्ड को सेट करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम फ्रेंड्स को ऐड करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे मीडिया को, यहाँ पर हम ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इसको अलाउ करेंगे। तो भाई जो हमारा अकाउंट है ये स्नैपचैट पर क्रिएट हो चुका है, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ईजी है, यहाँ से हम फोटो जस्ट क्लिक करेंगे जिसको भी सेंड करना चाहते हैं, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो कैमरा यहाँ पर ओपन रहेगा हमारा, जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम सेंड कर देंगे। यहाँ से गाइज हम यहाँ पर इस पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह का। यहाँ से गाइज हम अपना टाइम लिमिट को सेट कर सकते हैं, यहाँ पर ये नो टाइम लिमिट है, 10 सेकंड, 9 सेकंड, जो काफ़ी अच्छी इसमें ये हमको सर्विस मिलती है। काफ़ी अच्छा फीचर है गाइज ये कि यहाँ सर हम अपने टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं, किसी अगर हम फोटो को भेजते हैं किसी को भी तो यहाँ पर हम टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हम नो टाइम लिमिट पर सेट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ 10 सेकंड कर लेता हूँ गाइज, यहाँ पर हम इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं और स्टोरी पर इसको स्टोरी पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर ऐड स्टोरी पर लगा सकते हो, ये हमारी स्टोरी पर ऐड हो रहा है। तो गाइज ये स्टोरी पर हमारा ऐड हो चुका है। तो गाइज यहाँ से हम फोटो जस्ट क्लिक करेंगे और ये सेंड पर क्लिक कर देंगे, जिनको भी हम सेंड करना चाहते हैं उस कॉन्टेक्ट को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपने फ्रेंड्स को, तो ये यहाँ पर हमारा फोटो सेंड हो जाएगा।
यहाँ से भी हम डायरेक्टली इमोजीज वगैरह सेंड कर सकते हैं, यहाँ से हम गैलरी से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम सेंड करना चाहते हैं, इमेजेस वगैरह इस तरीके से सेंड कर सकते हैं। यहाँ से हम कैमरे से भी क्लिक कर सकते हैं कोई फोटो, देन सेंड इमेज होगी गाइस, वो यहाँ पर हम यहाँ पर डिलीवर्ड पर आ जाएगी, मतलब यहाँ पर इमेज शो नहीं होगी अगर हम कैमरे से कोई क्लिक करते हैं, क्योंकि उस पर टाइम लिमिट लगी हुई है। यहाँ से हम चैटिंग कर सकते हैं गाइस, यहाँ से वॉइस वगैरह सेंड कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स आ जाएंगे। यहाँ से हम इनको ऐड भी कर सकते हैं गाइस, फ्रेंड्स वगैरह को, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं किसी फ्रेंड्स को। यहाँ कैमरा पर क्लिक करके गाइस हम अपना जो फोटोज़ वगैरह जो भी मोमेंट्स हैं हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस हमको काफ़ी सारे फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, अगर हम क्लिक करते तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्नैपचैट पर, बहुत ही अनलिमिटेड, मतलब आप अनलिमिटेड कह सकते हो गाइस, यहाँ पर अनलिमिटेड आपको फिल्टर्स वगैरह मिलते हैं, सबसे ज़्यादा फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जस्ट आपको क्लिक करना है एंड देन सेंड, यहाँ पर आप स्टोरी को लगा सकते हो अपनी। ये हमारी स्टोरी पे ऐड हो गया है। यहाँ से आपको मल्टी स्नैप का, टाइमर का, फोकस का, ग्रिड का, सबका ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। एक्सप्लोर पर क्लिक करके तो गाइज यहाँ पर आपके ये कुछ हमारे जो सजेस्टेड है यहाँ पर आ जाएगी, ट्रेंडिंग में जो चल रहा है स्नैपचैट पर वो आपको यहाँ ट्रेंडिंग पर शो होगा। यहाँ से आप भी उस टाइप उस जैसा बना सकते हो, फेस, वर्ल्ड, म्यूजिक, तो सारे गाइज ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं स्नैपचैट पर, यहाँ से आप उनको यूज कर सकते हो। इस टाइप से आप इनको यूज कर सकते हो। तो काफ़ी सारे आपको गाइज यहाँ पर इफेक्ट दिख जाएंगे, आप उनको जो ट्रेंड चल रहा है उनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ये दिखाई दे रहा है गाइज, ऐसे आप अपना फिल्टर्स इसमें यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको गाइज इसमें मिल जाते हैं। आप यूज कर सकते हो। तो गाइस आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो फिल्टर्स को। तो आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं गाइस। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट सेटिंग पर आओगे तो ये गाइस आपको यहाँ पर अपने जो सेटिंग्स से है अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। यहाँ से अपने नेम को, यूज़र नेम को, बर्थडे और मोबाइल नंबर को एडिट कर सकते हो, पासवर्ड और ईमेल को वेरीफाई कर सकते हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लगा सकते हो, यहाँ पर लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर डेटा सेवर पर क्लिक करोगे तो गाइस ये आप डेटा सेवर पर इसको रखिएगा, आप यहाँ से अपनी कन्वर्सेशन को क्लियर कर सकते हो, सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो, टॉप लोकेशंस वगैरह को उनको
यहाँ से क्लियर कर सकते हो परमिशंस को। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये स्नैपचैट क्या क्या परमिशंस मांगता है, आपके कैमरे की कॉन्टैक्ट की, लोकेशंस की, माइक्रोफोन की, फ़ोन की स्टोरेज की, ये लोकेशंस लेता है। यहाँ पर आप माई डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डेटा का, यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ से कैश को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट आ जाएगी जिनको आपने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो आप, ये सेटिंग्स होती है इसमें। इस पर क्लिक करके आप अपनी स्टोरी देख सकते हो जो आपने ऐड की हुई है। यहाँ से आप स्टोरी देख सकते हो दूसरे की। डिस्कवर पर क्लिक करके आप यहाँ पर और भी काफ़ी सारी स्टोरीज वगैरह देख सकते हो। तो गाइज यही होगा इसमें। अगर गाइज आप अपने यहाँ पर इसको डिलीट करना चाहते हो, डीएक्टिवेट करना चाहते हो इस स्नैपचैट अकाउंट को, यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिल जाएगा आई नीड हेल्प। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर आप माई अकाउंट एंड सिक्योरिटी पर आप क्लिक करोगे, अकाउंट सिक्योरिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा माई अकाउंट, डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आप अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। इस लिंक पर क्लिक करना होगा आपको अकाउंट पोर्टल पर, तो डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो अकाउंट डीएक्टिवेटेड, आपका अकाउंट यहाँ डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है और 30 दिनों के अंदर अंदर ये हमारा परमानेंटली अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने अकाउंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हो स्नैपचैट अकाउंट को, ठीक है। तो गाइज यही ऑप्शंस होते हैं स्नैपचैट में एकदम। आप क्विक शेयर कर सकते हो अपनी मेमोरीज़ को अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और भाई यहाँ पर हम टाइम लिमिट को भी सेट कर सकते हैं अपने कितने टाइम के लिए हम शेयर करना चाहते हो उस फोटो को। तो देखा गाइस कितने कमाल का है स्नैपचैट। इसकी मदद से आप अपने मोमेंट को बहुत ही फास्ट शेयर कर सकते हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। गाइस अगर आप अपने कोई भी फोटोज को शेयर करते हो और दूसरा बंदा मतलब ये चाहता है कि मैं इसका ये मोमेंट को स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो वो स्क्रीनशॉट ले हुए तो आप जो जिसने वो उसके पास एक मैसेज चले जाएगा, एक अलर्ट चला जाएगा कि इस बंदे ने स्क्रीनशॉट लिया है। तो इससे आप नेक्स्ट टाइम सोच सकते हो कि भाई इसको मैंने ये अपना मोमेंट शेयर नहीं करना क्योंकि इसने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर उस बंदे को पता चल जाएगा कि आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। अदरवाइज गाइज अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।